हेलो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सभी। अभी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैंने पिंपल के ऊपर बनाई है। कहने का मतलब यह है कि पिंपल क्यों निकलते हैं, आखिर पिंपल निकलने का कारण क्या क्या होता है, तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करवाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि चेहरे पर पिंपल्स क्यों निकलते हैं। चेहरे पर पिंपल निकलने की समस्या आमतौर पर टीनेज से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में हमारे शरीर में तेजी से हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं। इस कारण हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब होने से हमारी स्किन पर पिंपल्स उगने लगते हैं, जो शुरुआत में किसी छोटे दाने या उभार की तरह महसूस होते हैं। सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं हैं जिम्मेदार पिंपल्स होने के। हमारे चेहरे पर मुहासे उगाने की इकलौती वजह हमारे गड़बड़ाए हुए हार्मोन्स नहीं होते हैं, बल्कि हमारे पेट में जमा कवज, हमारे दिमाग पर चढ़ा तनाव और हमारे शरीर में मौजूद अन्य बीमारियां भी होती हैं। कई बार शरीर की अंदरूनी नहीं बल्कि स्किन प्रॉब्लम के कारण भी हमें मुहासे होते हैं। कवच के कारण भी मुहासे होते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए क्यों होते हैं। कई बार खान पान ठीक से ना होने या पेट संबंधी किसी दिक्कत के चलते हमें कवच की समस्या हो जाती है। इस कारण हमारे शरीर के विषाक्त तत्व बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बॉडी किस भी तरह का गार्बेज अपने अंदर नहीं समेटती है और उसे बाहर निकालने का रास्ता खोज ही लेती है। इसी वजह से कवच के कारण जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर पनपते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म उन्हें स्किन के रोम छिद्रों द्वारा बाहर फेंकने लगता है, ताकि शरीर के अंदर कोई घातक बीमारी ना पनपे। इस दौरान ये विषाक्त तत्व हमारे स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं, जिस कारण हमारी त्वचा सांस नहीं ले पाती और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो पिंपल के रूप में हमें नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, पता चला आपको कि हमारे फेस पर पिंपल्स क्यों होते हैं। तो यदि आप पिंपल्स भगाना चाहते हैं तो पौष्टिक आहार खाएं, हरी हरी सब्जियां खाएं और ज़्यादा पानी पिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और भी बीमारियों से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करवाना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching my video and take care.